हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो 50 एरर की सीरीज थी उसी को आगे बढ़ाते हुए उसका फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं। फिफ्थ पार्ट के होते ही हमारे जो एरर हैं वो टोटल 250 हो जाएंगे, और हमने 200 एरर मीन्स 4 पार्ट उसके पहले ही कर चुके हैं। तो फोर्थ वीडियो को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे ही आप प्यार देते रहिए सभी वीडियोज को, और पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि हमें 50 एरर अपने जल्दी से जल्दी कवर अप करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ही वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम व्हेन अ थीफ एंटर्ड इनटू हिज हाउस एंड टुक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे इनटू डिलीट हो जाएगा, क्योंकि एंटर्ड आ गया तो इनटू आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटर्ड का मीनिंग ये क्या होता है कि अंदर आ गया, इनटू लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, एंटर इनटू सुपरफ्लोस है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन हर कंक्लूडिंग स्पीच सी सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग टू ऑन नथिंग वर्थ लिसनिंग टू। यहाँ पे जो हमारा गलती है वो है टू, लिसनिंग के बाद टू लगाने की हमें जरूरत नहीं है, वर्थ लिसनिंग तक ही हमारा सेंटेंस ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, इट वॉज अपेरेंट फॉर एवरी वन प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव इमीडिएट मेडिकल एड ही वुड डाई। तो यहां पर अपेरेंट टू, अपेरेंट टू हो जाएगा, ओके, अपेरेंट टू, अपेरेंट फोर की जगह पे अपेरेंट टू, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू द डिस्को एंड देन हैव अ डिनर एट अ रेस्टोरेंट, देन हैव अ डिनर एट अ रेस्टोरेंट। तो यहां पे जो हमारा एरर है वो फोर्थ पार्ट में है, प्रपोज्ड टू आएगा, प्रपोज्ड टू, ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देयर अपियर्स टू बी अ लिटल लाइजन अमोंग द टू ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। तो यहां पे जो एरर है, वेरी गुड, अमंग की जगह पे हमारा बिटवीन आएगा, क्योंकि दो की बात हो रही है। क्वेश्चन सिक्स भी आपके सामने ही है, उसे भी कीजिए। द टीम कंप्लेन टू द मैनेजर अगेंस्ट द कैप्टन एंड द पुअर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन द होटल एंड अबाउट द पुअर, ओके। क्या आएगा यहां पे, एंड अबाउट द पुअर, द टीम कैप्टन कंप्लेन टू द मैनेजर अगेंस्ट द कैप्टन एंड अबाउट द पुअर फैसिलिटीज, ओके। क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पे, यस आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द राइट आई, वॉज ब्लाइंड विद द राइट आई। तो ब्लाइंड इन आएगा, ब्लाइंड इन द राइट आई, ओके। क्वेश्चन नंबर एट, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग अवर फ्रेंड्स Who bade him farewell? तो यहां पे जो एरर है, वेरी गुड, वो सेकंड पार्ट में है, अमंग की जगह पे अमंगस्ट आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग सबको बांटी, ओके। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, एज पर द इनविटेशन केयर रहीम मैरिज विद श्रेया। तो विद को डिलीट कर देंगे हम, मैरिज श्रेया डायरेक्ट आता है तो विद नहीं आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर टेंथ, द डिबेकल ऑफ द कांग्रेस पार्टी एडमिट नो अदर एक्सप्लेनेशन देन इट्स पुअर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। तो यहां पे जो एरर है वो सेकंड पार्ट में है, आफ्टर एडमिट्स के बाद में ऑफ रखेंगे, एडमिट्स ऑफ नो अदर एक्सप्लेनेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ,
दिस सोसाइटी डज नॉट होल्ड इट्सेल्फ The society does not hold itself responsible for the loss or damage to any item. तो loss के बाद of लगता है, damage के बाद to, okay? Loss of or damage to any item. Question number 12. In spite of being very busy at project work, he saves time to the relatives. तो यहाँ पे जो error है, very good, वो fourth part में है. टू की जगह पे फोर आ जाएगा, फॉर द रिलेटिव्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, सम पर्संस गेट प्रमोशंस इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर देम, इवन इफ दे आर नॉट वर्दी. तो यहां पे जो वर्दी के बाद में क्या आएगा, ऑफ आएगा. वर्दी के बाद में क्या आएगा, वोफ. नॉट वर्दी ऑफ देम, ओके, नॉट वर्दी ऑफ देम. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाइल ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस, व्हाइल ही वॉज रिटर्निंग, वेरी गुड, व्हाइल ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस अ मैन अटैक्ड ऑन हिम विद ए डैगर, विद ए डैगर. तो यहाँ पे जो एरर है वो थर्ड पार्ट में है. थर्ड पार्ट में क्या एरर है, ए मैन अटैक्ड, अटैक्ड के बाद में ऑन की जरूरत नहीं है, अटैक्ड हिम आएगा डायरेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द डिक्लाइन ऑफ हर मोरल वॉज कॉज बाई ए लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हर, फैसिनेटिंग टू हर. द डिक्लाइन ऑफ हर मोरल वॉज कॉज बाई ए लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हर. यहाँ पे जो एरर है हमारा वो है, एरर है फर्स्ट पार्ट में, डिक्लाइन के साथ में जो ऑफ है उसको हम इन में चेंज कर देंगे, डेक्लाइन इन हर मोरल वॉज कॉज. ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ही टुक मी टू अ रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर्ड फॉर टू कप ऑफ कोल्ड कॉफी विच द वेटर ब्रॉट इन एन आवर, इन एन आवर. तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो एरर सेकंड पार्ट में है, ऑर्डर के बाद में फोर की जरूरत नहीं है, ऑर्डर के बाद में फोर की जरूरत नहीं है. ऑर्डर्ड टू कप्स ऑफ कॉफी, ओके, ऑर्डर के बाद में फोर की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं. देयर आर सम एनिमल्स देन कैन लिव बोथ इन वॉटर एंड लैंड विदाउट एनी डिफिकल्टी. तो यहाँ पे जो एरर है वो है, वेरी गुड, ऑन की जरूरत है लैंड के बाद में, लैंड ऑन लैंड, ओके, ऑन लैंड, वॉटर ऑन लैंड, इन वॉटर एंड ऑन लैंड विदाउट एनी डिफिकल्टी. तो क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग हिज टूर टू द साउथ ही विजिटेड नॉट ओनली टू चेन्नई बट ऑल्सो कर्नाटक, नॉट ओनली टू चेन्नई बट ऑल्सो कर्नाटक. तो यहाँ पे जो एरर है, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 18 में थर्ड पार्ट में एरर है, टू को नहीं लगाएंगे, चेन्नई टू चेन्नई, ओनली नॉट ओनली चेन्नई, ठीक है, नॉट ओनली टू नहीं लगाएंगे, नॉट ओनली चेन्नई आएगा डायरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19, द प्रेजिडेंट मिस्टर कलाम इज मच साउट आफ्टर बाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड इज इनविजिटेड फॉर मैनी फंक्शंस. तो यहाँ पे जो एरर है वो है फोर्थ पार्ट में, फोर की जगह पे टू आ जाएगा, इन्वाइटेड टू मैनी फंक्शंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 20, हिज मदर इज नॉट वेल बट ही डज नॉट लुक फॉर हर प्रॉपरली. तो यहाँ पे जो एरर है, वेरी गुड, चेंज, लुक फॉर की जगह पे लुक आफ्टर आ जाएगा, लुक फॉर की जगह पे लुक आफ्टर आ जाएगा. ओके, डज नॉट लुक आफ्टर हर प्रॉपरली. क्वेश्चन नंबर 21, वी मे हैव टू वेट फॉर अ न्यू पॉलिटिकल रिवाइवल टू इरेडिकेट द करप्शन फ्रॉम अवर इकोनॉमी, फ्रॉम अवर इकोनॉमी. तो यहाँ पे इकोनॉमी हमारा जो फर्स्ट ही पार्ट में एरर है, अवेट के बाद में फोर नहीं आएगा. वी मे हैव टू अवेट अ न्यू पोलिटिकल रिवाइवल टू इरेडिकेट द करप्शन फ्रॉम द इकोनॉमी, फ्रॉम अवर इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं. व्हेन शी वॉज इन जेल शी वॉज debarred to send a letter even to her son.
यहाँ पे जो एरर है वो डिबार्ड फ्रॉम सेंडिंग, डिबार फ्रॉम सेंडिंग आएगा, ओके, डिबार टू सेंड नहीं, डिबार फ्रॉम सेंडिंग, ओके, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट होता है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द मिलिटेंट यील्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द ट्रैप ऑफ पुलिस। यहां पे जो एरर है, वेरी गुड, यील्ड के बाद में टू आ जाएगा, ओके, यील्ड के बाद में टू आ जाएगा, मिलिटेंट यील्ड टू द टेम्पटेशन। क्वेश्चन नंबर 25, मैनी पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर बट गवर्नमेंट सीम्स टू बी इग्नोरेंट ऑफ सच क्रूड फैक्ट्स। तो यहां पे जो हमारा एरर है वो सेकंड पार्ट में है, डाइंग ऑफ हंगर आएगा, डाइंग ऑफ हंगर, डाइंग फ्रॉम हंगर नहीं, डाइंग ऑफ हंगर, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, इन डिफिकल्ट टाइम सी प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसिल रेदर देन वांडरिंग हेयर एंड देयर फॉर रिलीफ। यहां पे जो एरर है वो थर्ड पार्ट में है, देन की जगह पे टू आ जाएगा, थर्ड पार्ट में है, देन थर्ड पार्ट में है, क्वेश्चन नंबर 26 के थर्ड पार्ट में एरर है, देन की जगह पे टू आ जाएगा, ओके, रेदर टू वांडरिंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया हमारा, 27 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27, द पर्संस हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज आर एडवाइज्ड टू सब्स्टिट्यूट सैक्रीन बाय सुगर। यहां पे जो एरर है वो फोर्थ पार्ट में है, बाई की जगह पे फोर आ जाएगा, बाई की जगह पे फोर आ जाएगा, ठीक है, टू सुगर, सॉरी ऑफ फोर सुगर, फोर फोर सुगर। क्वेश्चन नंबर 28, ही ऑलवेज सेज दैट ही प्रेफर्स टू गो टू होम टू स्टे इन होटल एट नाइट। तो यहां पे जो एरर है वो थर्ड पार्ट में है, टू स्टे इन आएगा रेदर देन स्टे इन, टू स्टे इन की जगह पे रेदर देन स्टे इन ए होटल आएगा, रेदर देन लगा देंगे हम टू की जगह पे। क्वेश्चन नंबर 29, हार्डली हैड वी सेटल डाउन फॉर द रेस्ट व्हेन वी वर स्टार्ल्ड बाय द स्ट्रेंज साउंड ऑफ ट्रम्प्स। तो यहां पे जो एरर है वो थर्ड पार्ट में एरर है, स्टेल्ड बाई की जगह पे स्टेल्ड ऑफ आ जाएगा, स्टेल्ड एट, सॉरी स्टेल्ड एट आ जाएगा, स्टेल्ड बाई की जगह पे स्टेल्ड एट द स्ट्रेंज साउंड ऑफ ट्रम्पट। क्वेश्चन नंबर 30, ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ विद द डेप्थ बाई वर्किंग डे एंड नाइट। तो यहां पे जो एरर है वो विद की जगह, विद की जगह पे फ्रॉम आ जाएगा, ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द डेप्थ्स बाय द वर्किंग डे एंड नाइट। तो यहां पे हमारे 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी के 20 क्वेश्चन और करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, 31 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट यानी 31st क्वेश्चन, ही आस्क्ड टू मी कंप्लीटली फॉरगेट हर बट आई नो इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे जो कम्प्लीटली फॉरगेट हर है वो फॉरगेट हर कम्प्लीटली में रिप्लेस हो जाएगा, कम्प्लीटली फॉरगेट हर को फॉरगेट हर कम्प्लीटली, ही आस्क्ड टू मी फॉरगेट हर कम्प्लीटली, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस, टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस एंड ऑर्डर्ड द स्टाफ टू कम्प्लीट द वर्क विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहां पे जो एरर है वो Either right after taking breakfast or having taken breakfast, या तो हम after taking breakfast लिखेंगे या फिर having taken breakfast लिखेंगे, okay? Taking breakfast नहीं होगा, क्या होगा, after taking breakfast, ठीक है। Question number 3, Without taking proper care, the doctors would,
द डॉक्टर्स वुड नॉट हैव बीन सेव्ड द लाइफ ऑफ दिस पेशेंट. तो यहाँ पे जो एरर है वो बीन यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, बीन यहाँ पे डिलीट हो जाएगा. विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर्स वुड नॉट हैव सेव्ड, बीन नहीं आएगा, वुड नॉट हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ दिस पेशेंट. तो क्वेश्चन नंबर 34, गोइंग टूवर्ड्स द गेट विद ए कप ऑफ टी somebody switched off the light, somebody switched off the light. यहाँ पे जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है. जो करेक्ट फ्रेज होती है वो होगी while he was going towards the gate, while he was going towards the gate with a cup of tea somebody switched off the light. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यानी 35th, he does nothing but to find faults with others and laugh at them. तो यहाँ पे जो एरर है वो सेकंड पार्ट में है. नथिंग बट इज इनकरेक्ट, जो हमारा नथिंग बट की जगह बाद में जो टू यूज हुआ है वो इनकरेक्ट है, टू यूज नहीं होगा. ही डज नो नथिंग वॉच टीवी, मतलब डायरेक्ट लिखते हैं हम ही डज नथिंग बट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स एंड लाफ एट हिम, लाफ एट देम. तो क्वेश्चन नंबर 36 की यानी 6 की तरफ बढ़ते हैं. The chief minister should not let the terrorist activities to grow in our state. यहाँ पे जो एरर है वो फोर्थ पार्ट में है. टू को डिलीट कर देंगे हम, लेट के बाद में इन्फिनेटिव यूज नहीं होता, ठीक है. The terrorist activity grow in our state, टू नहीं आएगा. Many persons are coming to his concert to hear him to sing the religious songs. यहाँ पे जो एरर है वो थर्ड पार्ट में एरर है. टू सिंग को हम रिप्लेस कर देंगे सिंग में, ओके. टू सिंग को रिप्लेस कर देंगे सिंग में. कमिंग टू द कॉन्सर्ट टू हियर हिम सिंग. क्वेश्चन नंबर 8th, हैविंग हैड रीच्ड द स्टेशन यू मे मेक अ टेलीफोन टू योर बॉस. यहाँ पे जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है. हैविंग हैड नहीं आएगा, हैविंग रीच्ड द स्टेशन, ओके. क्वेश्चन नंबर 9th, इट इज बेटर टू स्टे एट होम देन टू गो टू मार्केट व्हेन इट इज रेनिंग. तो यहाँ पे जो एरर है वो सेकंड पार्ट में है. टू नहीं आएगा देन के बाद में, ओके. आफ्टर देन के बाद में टू इनकरेक्ट होता है तो टू नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 10th, व्हेन ही एंटर्ड द होम ही फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग एंड द फैन मूव स्लोली. तो यहाँ पे जो एरर है वो फोर्थ पार्ट में है. फैन मूविंग स्लोली आएगा, मूव्स स्लोली नहीं आएगा, फैन मूविंग स्लोली. तो यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट में एरर था. तो 30 और 10, 40 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. बाकी के 10 या फिर 13 क्वेश्चन है आई थिंक वो हम करते हैं, तो 53 क्वेश्चंस हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर. चलो उस 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 13 से स्टार्ट करते हैं, 25 तक है हमारे पास ये क्वेश्चन, और इसके जो 12 है वो हमने पहले वाली वीडियो में कर लिए थे. तो चलो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारे 53 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल. बिकॉज सी इज इंटेलिजेंट देयरफॉर सी सिक्योर्स हाईएस्ट मार्क्स इन हर क्लास. तो यहाँ पे जो एरर है वो सेकंड पार्ट में है. देयरफॉर सुपरफ्लोस है, देयरफॉर क्या है, सुपरफ्लोस है. तो यहाँ पे इंटेलिजेंट सी सिक्योर डायरेक्ट आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14th, इट वॉज ऑलमोस्ट 5 months अगो सिंस सी रोट अ लेटर टू मी टू रिमाइंड मी माई प्रोमिस. तो यहाँ पे जो एरर है वो सेकंड पार्ट में है. सिंस वो दैट से रिप्लेस हो जाएगा, सिंस है वो दैट से रिप्लेस हो जाएगा, दैट सी रोट अ लेटर, ओके. सिंस और फॉर यूजली यूज विद परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस के साथ में यूज होते हैं यूजली. क्वेश्चन नंबर 15th, द इंस्पेक्टर वॉज डाउटफुल दैट द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाई द ट्रक हैड लेन देयर फॉर मोर देन ए डे तो यहाँ पे जो एरर है वो सेकंड पार्ट में है. दैट की जगह पे वेदर आ जाएगा, दैट की जगह पे वेदर आ जाएगा, वेदर द मैन हु हैड बीन रन ओवर, ओके. क्वेश्चन नंबर 16, ही इंस्ट्रक्टेड मी दैट
आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली. तो यहाँ पे जो एरर है वो फोर्थ पार्ट में है, लाइक हिम की जगह पे एज ही आ जाए. लाइक हिम की जगह पे एज ही आ जाएगा. ओके, ही इंस्ट्रक्टेड मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली एज ही. ओके, क्वेश्चन नंबर 17. सेल्डम और एवर हैव आई सेंट अ बैगर ओ अवे विदाउट गिविंग हिम समथिंग. तो यहाँ पे जो एरर है वो सेकंड पार्ट में है, एवर की जगह पे नेवर आ जाएगा, सेल्डम और नेवर. क्वेश्चन नंबर 18. सेल्डम और एवर यहाँ पे जो सेल्डम और एवर है तो यहाँ पे और की जगह पे इफ आ जाएगा, क्योंकि सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर ही यूज होते हैं, यही दो बनते हैं, सेल्डम और नेवर या फिर सेल्डम इफ एवर. तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है. द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू गो थ्रू द नोट्स एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट दे वुड फेल. तो यहाँ पे जो एरर है वो फोर्थ पार्ट में है, वुड की जगह पे शुड आ जाएगा, लेस्ट के बाद में शुड यूज होता है. ओके, लेस्ट दे शुड फेल. ओके, क्वेश्चन नंबर 20. ही आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वाज नॉट अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे जो एरर है वो सेकंड पार्ट में है, ही आस्क्ड मी दैट नहीं आएगा, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट अपीयरिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 21. Most of the founding fathers of our constitution are so reverend as Ambedkar, if not more. यहाँ पे जो एरर है वो थर्ड पार्ट में है, सो की जगह पे एज आ जाएगा. सो की जगह पे क्या आ जाएगा, एज रिवर्ड एज अम्बेडकर. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. आई डोंट नो If any of the members of the society is conspiring against the chairman or not. तो यहाँ पे जो एरर है वो सेकेंड पार्ट में है, रिप्लेस कर देंगे हम इफ को वेदर से. ठीक है, वेदर एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द चेयरमैन और नॉट. ओके, क्वेश्चन नंबर 23. दिस इज द सेम डॉग विच बिट हर वाइल सी वॉज गोइंग टू दी हॉस्पिटल. यहाँ पे जो एरर है वो सेकेंड पार्ट में है, विच की जगह पे दैट आ जाएगा. सेकेंड पार्ट में विच की जगह पे दैट आ जाएगा. दिस इज द सेम डॉग दैट बाइट हर दैट बीट हर. तो यहाँ पे 24th और 25th दो क्वेश्चन हमारे बच गए. तो 24 क्वेश्चन. दिस इज नॉट सच ए बिग प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विद सम एफर्ट्स. तो यहाँ पे जो एरर वो थर्ड पार्ट में है, विच की जगह पे एज आ जाएगा, एज कैन नॉट ही सोल्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर 25th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो. एज ही इज ए परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट्स ऑन रेगुलर प्रैक्टिस. तो यहाँ पे सो हमारा सुपरफ्लोस है. तो पैसनिस्ट के बाद में पैसनिस्ट, ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन द रेगुलर प्रैक्टिस. तो यहाँ पे ये हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो गया. तो हमने 13 क्वेश्चन ये, 10 वो, 23 और 30 वो, 23 और 30 53 क्वेश्चन हमने कर लिया आज की इस वीडियो में. यही हमारी जो 50 क्वेश्चन सीरीज की 5th वीडियो थी. ऐसे ही हम बाकी की वीडियोस भी कंटिन्यू करते रहेंगे. और इसी के साथ साथ हमने 250 हमारे एरर 253 एरर कर लिए हैं एक्चुअली, पर हम 250 अप्रोक्स ही लेके चल रहे हैं. 250 हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं. और इस सीरीज को हम देखते हैं, हम जितनी बढ़ा सकेंगे, जितने हम ज्यादा एरर कवर कर सकेंगे उतने ज्यादा एरर हम कवर करने की कोशिश करेंगे. तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत. पढ़ते रहो बढ़ते रहो.